अपनी उठाओ, पलकों को तुम अपनी उठाओ ना, जरा सा मुस्कुराओ ना, जरा सा मुस्कुराओ ना, जरा सा मुस्कुराओ ना, जरा सा मुस्कुराओ ना। तो गाइस मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी, बज रहे हैं सुबह के 11 और पेपर वगैरह भी होने वाले हैं, तो आज हमें प्रेजेंटेशन वगैरह भी काम करना है और आज मेरी दो दो क्लास है, तो यूनिवर्सिटी जाकर आप लोग से मिलिए। चैनल सईदास किचन एंड ब्लॉगिंग, यूनिवर्सिटी आ गई हूँ। यूनिवर्सिटी में आ जाए मेरी सुबह से क्लास दो दो, बस क्लास की जानिब जा रही हूँ, यूनिवर्सिटी पहुँच गई हूँ, अब क्लास में जाके आप लोगों से मिलती हूँ। सर ने हमें दे दिए ब्रेक, तो हमने खा रहे हैं सॉल्टी बिस्किट, वजन वगैरह कम कर रहे हैं, तो इसलिए हमने सॉल्टी बिस्किट ले लिए और हम जा रहे हैं अभी बाहर की तरफ, तब तक के लिए। A few moments later. तो गाइस हम जब सुबह आए थे ना, तो गर्मी जो थी वो काफ़ी थी, और अभी थोड़ा मौसम जो है वो चेंज हो गया है, बारिश जैसा हो रहा है। दुआ तो यही है अल्लाह पाक बारिश हो जाए, जिस हिसाब से गर्मी हो, जिस हिसाब से तपिश है, बारिश हो जाए तो अच्छा है। मौसम तो खुल बन गया है बारिश का, अब होती है या नहीं होती है तो अल्लाह पाक पर है। तब तक के लिए बस ऐसे ही बने। One hour later. जो है वो खाने में बने हैं तहरी, इसकी रेसिपी भी मेरे YouTube चैनल पे जो है वो अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप लोग जाएं वहाँ से ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसा बना। तब तक के लिए बने रहें, खाना शाना खाएंगे और उसके बाद 24 hours later. जैसे कि बताती चलूँ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग अम्मी ने बोला जाओ ऊपर अचार को देख के आओ कि कैसा है, उसमें मसाला लगा के छत पे छोड़ दिया था, ठीक है तेल वगैरह है क्या क्या है उसके अंदर सब कुछ देख कर आओ। तो मैं आ गई हूँ छत पर और अब डब्बा खोल के इसको देखने का, और एक दफ़ा मैं चम्मच से मिक्स वगैरह भी करूँगी, तो आप लोगों को भी बताऊँगी कि आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। मसाला वगैरह लगाने के बाद इसको 2 से 3 दिन के लिए और छत पर छोड़ दें कि तेल वगैरह जो है अच्छी तरीके से पक जाए और कैरी वगैरह भी है वो भी पक जाए। रेसिपी जो है अचार की वो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, आप लोग वहाँ से भी देख लीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर विज़िट करके भी आप लोग वो मेरी वीडियो देख सकते हैं जो कैरी में मैंने प्रॉपर अचार लगाने का आप लोगों को रेसिपी शेयर की है। अब देन इसका कपड़ा वगैरह खोल लेती हूँ मैं, आप ऐसे कपड़े से ना बिल्कुल कवर करके रखिएगा इसको, और ऐसे करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको मैंने खोल लिया है। अब आप लोग देख सकते हैं तेल वगैरह तो माशाल्लाह से पूरा है, लोग देख सकते हैं तेल वगैरह सब माशाल्लाह से पूरा है। इसको एक दफ़ा अच्छी तरीके से जो है वो मिक्स वगैरह कर लेते हैं। मुझे जैसा लगता है कि ये बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल पक माशाल्लाह से ये रेडी हो गया, तेल वगैरह इसका सब कुछ जो है वो पक पक गया है। अब इसको आप नीचे ले जाएं, खाने के साथ चावल के साथ रोटी के साथ लगा के इंजॉय करें, तकरीबन आपका 1-2-3 साल जो है वो आराम से चल जाता है। कैरी का मौसम आया हुआ है, सीज़न आया हुआ है, तो आप लोग क्यों ना भी इसे बना के स्टोर करें। तू क्या बोल रही है? और 2 से 3 साल के लिए आप लोगों की अचार की छुट्टी, तो आप लोगों को पूरी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है चैनल पे, आप लोग वहाँ से जाकर अचार की फुल रेसिपी देख सकते हैं। ये बिल्कुल रेडी हो गया है गाइस, आप लोग देख सकते हैं तेल वगैरह तो इतना होना चाहिए कि अचार जो है वो अच्छी तरीके से तेल के अंदर ही डुबोहा रहे। अचार जो है बिल्कुल रेडी हो गया है, आप लोग क्यों ना अभी से बना के शो कर लें, 2 से 3 साल जो है वो आराम से चल जाता है। और मैं यहीं पर अपने ब्लॉग को एंड करूँगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी या ब्लॉग लेके बहुत जल्द, दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।